everyone, welcome to my channel. Today I will be sharing my views on a very important topic of kids essential, that is why we should start bottle feeding, should we start bottle feeding, and how can we maintain or how can we make sure that our bottles are clean for our child. So सबसे पहले जब भी हम सोचते हैं कि हम बॉटल फीडिंग स्टार्ट करें बच्चे की तो हमें मेन इशू आता है कि डॉक्टर्स हमारे मना कर देते हैं कि बॉटल फीडिंग कोशिश करें आप ना करें बच्चों को. क्यों वो मना करते हैं? क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है. किस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है? देखिए, बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत डेलिकेट होता है इनिशियली, और सेकेंडली बच्चे का डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत सेंसिटिव होता है. तो अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं और बॉटल्स क्लीन नहीं है, उसमें कोई तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो बच्चे को किसी ना किसी तरीके से वो इन्फेक्ट करता है. हम क्या करते हैं, हम बॉटल्स ले लेते हैं, हम फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं. कुछ पेरेंट्स ऐसी गलती भी कर देते हैं कि अभी आपको जैसे 15 मिनट्स बाद मान लो फिर थोड़ा बहुत बॉटल फीड कराना है तो वही सेम बॉटल में फीड करा देते हैं. हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें एक बार जो बॉटल यूज़ हो गई वो दोबारा नहीं करनी है जब तक वो क्लीन ना हो. बॉटल्स की हाइजीन मेंटेन करना बेहद इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तभी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको रेगुलर यूज़ में लाएं. अगर आपको उसको रेगुलर यूज़ में लाना है तो बॉटल्स की हाइजीन डेफिनेटली मेंटेन करें. अब हम वो कैसे मेंटेन करेंगे? हमको सिर्फ बॉइलिंग बॉटल की नहीं करनी है. हमें कंटेनर ले लेते हैं, उसमें बॉटल डाल देते हैं, उसको बॉइल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है. हमें उससे बॉटल प्रॉपरली क्लीन एंड स्टरलाइज नहीं होती. हमें बेसिकली बॉटल्स को स्टरलाइज करना है अगर हम उसको चाहते हैं बच्चे को रेगुलरली यूज में दें, जिससे कि हमारा बच्चा कम इन्फेक्टेड हो. और अगर हम बहुत ध्यान से ये सब प्रोसेस करेंगे तो हो भी सकता है कि बॉटल्स की वजह से बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना. मैंने जब बॉटल्स बाय करी थी अपने बच्चे के लिए, हमने सेकेंड या थर्ड मंथ में डिसाइड करा था कि हम स्टार्ट करेंगे बॉटल्स यूज़ करना, तो उसी टाइम हमने अमेजोन से एक बॉटल स्टरलाइजर बाय कर लिया था. हमने कीको का बॉटल स्टरलाइजर बाय किया था. इसलिए बाय किया था क्योंकि हम वी जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि बॉटल्स की वजह से बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो. तो आप भी प्लीज़ कोशिश करें कि बॉटल को स्टरलाइज करें ताकि बॉटल की हाइजीन मेंटेन रहे और बच्चे को कोई इशू ना आए. ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ जिसमें कि हम कैसे बॉटल स्टरलाइजर को यूज़ कर रहे हैं और उसके क्या लेयर्स हैं, क्या उसके कंपार्टमेंट्स हैं, कैसे उसमें क्या चीज़ ऐड करते हैं. सबसे पहले हम अपनी बॉटल्स को इजीली क्लीन करेंगे पानी से. अगर आपने इमीडिएटली बॉटल वॉश करी है फीड कराने के बाद तो सिंपल पानी से वो क्लीन हो जाएगी. अगर आप बॉटल को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखा है फीडिंग के बाद तो आपको उसमें बॉटल क्लीनर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मिल्क जो होता है वो स्टिक हो जाता है. तो जो मिल्क स्टिक है वो बहुत हार्मफुल होता है बच्चे के लिए, तो इसलिए आप बॉटल क्लीनर पर अच्छे से डिटर्जेंट लगा के देन बॉटल को क्लीन करें. और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पम्प यूज़ करते हैं तो आप उसके पार्ट्स भी स्टरलाइज कर सकते हैं, तो उसको भी अच्छे से हम पानी से वॉश करेंगे ताकि उस पर कोई मिल्क रेसिड्यू ना रह जाए. और गाइज, लास्ट तक बने रहें, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. तो देखिए, मैं अच्छे से बॉटल को क्लीन कर लिया है. हम निप्पल्स को भी आप अच्छे से कैप से रिमूव करके देन क्लीन करें, और जो कवर है उसका उसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे. ये स्टरलाइज़र है हमारा, इसमें तीन कंपार्टमेंट है और परफोरेटेड, देखेंगे आप ये परफोरेटेड है. ये जो बॉटम वाला है इसमें एक प्लेट लगी हुई है, उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे. इसमें आपको मार्किंग दे रखी होगी 80 और 120 की, आप देख सकते हैं. तो उससे कम लेवल का पानी हमने फिल करना है. इसके बाद हम अपना फर्स्ट कंपार्टमेंट रखेंगे, उसमें आप जो मैक्सिमम साइज़ की बड़ी बॉटल्स हैं वो भी बच्चे की आसानी से आ जाती हैं. इसमें आप बच्चे के सिपर्स भी ऐड कर सकते हैं और पैसिफायर्स भी ऐड कर सकते हैं. आप इसमें स्टरलाइज बहुत आराम से कर सकते हैं. आप देख सकते हैं इसमें 6 बॉटल्स बहुत ईजीली आ जाती हैं. मैं इसमें कुछ अपने जो ब्रेस्ट पम्प के एलिमेंट्स हैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ. आप पैसिफायर्स और सिपर्स इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं. और जो ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट है ये छोटा कंपार्टमेंट है, तो इसलिए मैं इसमें अलग से सेपरेटेड कंपार्टमेंट देखिए दिया गया है इसमें. तो इसमें हम बॉटल कवर्स, निप्पल्स, बॉटल की जो कैप्स हैं वो हम सारे रख सकते हैं. मेरे कुछ पार्ट्स रह गए थे, इसमें आ नहीं रहे थे, तो मैं नीचे वाले कंपार्टमेंट में उसको ऐड कर रही हूँ.
अब हम इसे कवर कर देंगे पावर का बटन ऑन करके, जो इसमें एक मार्किंग वाला नीचे बटन है हम उसको ऑन कर देंगे और उसमें लाइट आ जाएगी और 12 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगी लाइट और तब आप स्विच ऑफ कर दीजिए। देखिए कैसे इसमें स्टीम रिलीज़ हो रही है। इसको कूल होने देंगे हम थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम बॉटल्स को रिमूव कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप स्टरलाइजर में पानी ऐड करेंगे तो हमेशा उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड नहीं करेंगे तो जो उसमें बॉटल में देखा होगा आपने प्लेट है जिसमें हमने सर्कुलर प्लेट जिसमें पानी डाला था, वो उसमें वाइट कलर की लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं जो कि रिमूव करना बहुत मुश्किल है, और वो वाइट लेयर्स की प्रेजेंस की वजह से जो स्टरलाइजर है उसकी वर्किंग पर इफेक्ट होता है। सेकेंड चीज़ आपने ये देखी होगी इसमें 12 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली कट ऑफ है, तो 12 मिनट्स के बाद का ऑटोमेटिक कट ऑफ आपके लिए बहुत रिलीफ है, क्योंकि आपको बॉटल को बॉईल करने के लिए रखना नहीं है, आपने उसको वहाँ पे खड़े रह के देखना नहीं है, और बाई चांस आपने बॉटल बॉईल करने रखी हुई है और आप भूल गए हैं तो वो जल जाएगा बॉटल आपका और हार्म होगा वो अलग। तो इसमें ये चीज़ का बेनिफिट है कि आप अपना बॉटल को स्टरलाइज करने रखने के बाद अपना कोई भी काम कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज, जब हम बॉटल को स्टरलाइज कर रहे हैं और 12 मिनट्स का कट ऑफ हो गया है, इमीजिएटली आपने उसको टच नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड सेकेंडली, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स व्हेन यू आर टेकिंग आउट द बॉटल्स। एंड थर्ड थिंग कि अगर आप उसमें से बॉटल्स निकाल रहे हैं उसको ड्राई करने के लिए, तो कोई भी एक ऐसा क्लॉथ लीजिए या ऐसा कंटेनर लीजिए जो प्रॉपरली ऑलरेडी स्टरलाइज हो, ताकि ऐसा ना हो कि आपने बॉटल तो स्टरलाइज कर ली है लेकिन वो कंटेनर खराब है या फिर आपके हाथ साफ नहीं है, तो उसको स्टरलाइज करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप उस बॉटल्स को स्टरलाइजर में ही रहने दें, जब आपको यूज करना है आप तब स्टरलाइजर में से निकालें। तो थर्ड थिंग इज कि आप इस स्टरलाइजर को ईजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, ये बहुत लाइट वेट है, आपने देखा होगा, आप विंटर्स में इनफैक्ट इसको अपने रूम में भी रख सकते हैं जब आपको बॉटल चाहिए बच्चे को फीड कराने के लिए, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा है इन्फेंसी की जब उसकी स्टार्टिंग की 0 to 6 मंथ्स वाली एज है तब आपको कराना ही सिर्फ बॉटल फीड होता है, तो उस टाइम पे बहुत थोड़े अमाउंट का बच्चे को फीड चाहिए, और सेकेंडली एवरी टाइम यू नीड मोर बॉटल्स, तो आप इमीजिएटली बॉटल को वॉश करके क्लीन करिए और वहीं अपने रूम में उसको स्टरलाइज कर लीजिए, आपको जब जरूरत है आपने अपने हैंड वॉश करें और बॉटल निकाली और उसमें मेरे बच्चे को प्रोवाइड कर दिया, है ना, ये बहुत इजी बहुत सिंपल यूसेज। सो गाइस, इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट यू कैन सी द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकेंडली, यू कैन रिकमेंड दिस टू मोर पेरेंट्स नियर बाय यू, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।